वीडियो की शुरुआत दो लाइनों से करना चाहूंगा, लेकर झंडा भारत का एडिलेड तक जाएंगे, लेकर झंडा भारत का एडिलेड तक जाएंगे, आज हराकर इंग्लैंड को फाइनल में जगह बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फंटेसी विनर्स। दोस्तों जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो रोजाना मचा रहे हैं, रोजाना कमा रहे हैं। दोस्तों कल तीन मैच खेले गए थे, पहला मैच था वुमेन्स बीबीएल का, दूसरा मैच था वुमेन्स पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का, तीसरा मैच था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। तीनों में हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था। जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है उसे पता होगा, जो टीम हमने दी थी तीनों ने गजब का परफॉर्मेंस किया था और अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमने मारा था, क्योंकि टीम ही हमने कुछ इस तरह दी थी। इसलिए ही आपसे कहता हूं वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो को जिसने 10 से 15 मिनट दे दिए उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता। और आज का जो मैच होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट मैच है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये मैच खेला जा रहा है और ये वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच है। जितना जरूरी ये मैच है उतनी ही जरूरी ये वीडियो है आपके लिए, अगर आप मोटा पैसा जीतना चाहते हो, ज्यादा पैसा जीतना चाहते हो। अगर वीडियो को आपने 10 से 15 मिनट दे दिए तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी परफॉर्म करने वाले हैं और कौन कौन से हैं वो खिलाड़ी जिन्हें कप्तान और वाइस कैप्टन हम बना सकते हैं, और अपने जीएल में किन किन खिलाड़ियों को लेना है और एसएल में किन किन खिलाड़ियों को लेना है, और साथ ही साथ मैं अपने प्रिडिक्शन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखकर आप दुबई की ट्रिप और बाली की ट्रिप आसानी से जीत सकते हो। किस तरह से आप दुबई जा सकते हो फ्री में, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि यहां पर तो हम सिर्फ एक मैच की वीडियो बनाते हैं, जिस तरह से हमने कल जो मैच की वीडियो बनाई थी वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बनाई थी, लेकिन दो अदर और मैच हमने कवर किए थे, उनमें हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप मारा था। उन सभी की टीमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पर, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और टेलीग्राम चैनल पर हम काफी सारे अपडेट भी देते रहते हैं, इसलिए उससे जुड़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्री में आप जुड़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, नीचे लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। अगर हम बात करें भारत की, केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, उनके अलावा विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत, साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन, चहल या फिर अक्षर पटेल, इनमें से भी एक चेंज हमें देखने को मिल सकता है। उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, ये हो सकती है भारत की पॉसिबल प्लेइंग 11। दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो जोस बटलर उनके अलावा साल्ट हमें खेलते हुए दिख सकते हैं, उनके अलावा एलेक्स हेल्स, बेन स्टॉक्स, हैरी ब्रुक, लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस वॉक्स, राशिद और मार्क वुड, ये हो सकती है इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11। दोस्तों अगर हम बात करें मैच डिटेल की, इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेकंड सेमीफाइनल ये मैच है वर्ल्ड कप 2022 का, जो आज 10 नवंबर को 1:30 पर खेला जाएगा। वेन्यू की अगर हम बात करें तो ये है एडिलेड के एडिलेड ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, पिच कंडीशन की, जो एडिलेड ओवल का ये मैदान है, हमेशा से ही यहां पर हाई स्कोरिंग मैच होता है और यहां पर बल्लेबाजों को खेलने में मजा आता है, क्योंकि बॉल जो है अच्छी तरह बल्ले पर आती है, अगर वो टिक कर खेलते हैं फिर वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहां पर किसको ज्यादा मदद मिलती है, स्पिनर्स को या पेसर्स को, तो इस मैदान पर दोनों को सेम कंडीशन होती है, सेम तरीके से ही मदद मिलती है, स्पिनर्स को भी मिल जाती है, फास्टर्स को भी मिल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा मदद मिलती है बल्लेबाजों को, बल्लेबाजों को यहां पर मदद मिलती है और यहां पर अच्छा स्कोर देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी हैं, टीम इंडिया भी अच्छी है, टीम इंग्लैंड भी अच्छी है, इसलिए हमें लग रहा है कि यह मैच उस स्कोर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एडिलेड ओवल के रिकॉर्ड्स की, कि इस मैदान पर कितने मैच खेले गए हैं, क्या एवरेज स्कोर है। दोस्तों जो यहां पर टोटल मैच खेले गए हैं हाल फिलहाल में वो 5 मैच खेले गए हैं, और यहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 3 जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 2 जीती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहां पर 181 रन का है, क्या एवरेज स्कोर है, यानी कि हाई स्कोरिंग। और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर है जो वो थोड़ा लो हो जाता है, यानी कि यहां पर फर्स्ट बैटिंग करना अच्छा होता है। यहां पर जो हाईएस्ट टोटल बना है वो 233 रन बना है, मात्र 2 ही विकेट गिरे थे। लोवेस्ट टोटल जो बना है 146 रन बने थे। हाईएस्ट टोटल जो यहां पर चेंज हो चुका है वो 158 रन का है। लोवेस्ट टोटल जो यहां पर डिफेंड हुआ है वो 188 रन का है। तो इसी से आप जान सकते हैं कि यहां का जो मैदान है वो किस तरह से काम करने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेयर्स की, किस तरह की फॉर्म में वो चल रहे हैं। दोस्तों जो मैंने ये रिकॉर्ड्स लिखे थे ऊपर नीचे हो चुके हैं, इसीलिए थोड़ा आप संयम बरते, मैं आपके लिए पूरी तरह से बता रहा हूं और समझा भी रहा हूं। पहले बात करते हैं 1 इंडिया की, और फर्स्ट बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने इस टी20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा किया है, 5 मैच खेले हैं, 246 रन बनाए हैं, मस्ट पिक आपके लिए हो सकते हैं। नंबर 2 रविचंद्रन अश्विन, 5 मैच खेले हैं,
21 रन बनाए हैं, 6 विकेट लिए हैं, यानी कि नॉर्मल ही हो रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने काफी अच्छा किया है, 5 मैचों में 225 रन बनाए हैं। अक्षर पटेल फ्लॉप रहे हैं, 5 मैचों में 9 रन बनाए हैं, 3 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या ने भी काफी अच्छा किया है, 5 मैचों में हार्दिक पांड्या ने 65 रन भी बनाए हैं तो 8 विकेट भी निकाले हैं। मोहम्मद शमी ने यहां पर 5 मैचों में सिर्फ 6 विकेट निकाले हैं, लेकिन वो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जब भारत को जरूरत होती है तब वो विकेट निकालकर दे देते हैं। भारत के जो विकेट कीपर्स हैं दोनों ही फ्लॉप रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने 4 मैच खेले, 4 में फ्लॉप। ऋषभ पंत ने 1 मैच खेला, उसी में फ्लॉप। बात करें भुवनेश्वर कुमार की, 5 मैचों में सिर्फ 4 विकेट निकाले हैं लेकिन गेंदबाजी अच्छे कर रहे हैं। रोहित शर्मा भी कुछ खास प्रदर्शन अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं कर रहा। वहीं बात करें अर्शदीप की, तो सबसे अच्छे बॉलर है भारत की तरफ से, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 10 विकेट भारत के लिए निकाले हैं। केएल राहुल भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, लगातार 2 अर्धशतक वो जमा चुके हैं, 5 मैचों में 123 रन बनाए हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये है लेखा जोखा भारत के 11 खिलाड़ियों का जो आपको मैंने बताया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की। पहले बात करते हैं मोइन अली की, पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं, अभी तक 1 विकेट भी इन्होंने नहीं निकाली है, सिर्फ 38 रन बनाए हैं। क्रिस वॉक्स 4 मैचों में उन्होंने 4 विकेट ही निकाले हैं। लियाम लिविंगस्टन भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, 4 मैचों में 3 विकेट निकाले हैं, रन भी सिर्फ 54 बनाए हैं। आदिल रशीद भी बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, 4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट उन्हें मिला है। बेन स्टॉक्स पिछले मैच में अच्छा किया था, उम्मीद है कि इस मैच में भी अच्छा करेंगे, 4 मैचों में 58 रन बनाए हैं, 5 विकेट निकाले हैं। साल्ट अगर खेलते हैं तो उन्होंने 4 मैचों में 36 रन मात्र बनाए हैं। अगर बात करें साल्ट की, तो साल्ट अगर खेलते हैं तो फिर वो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। उन्होंने पिछले अपने 4 मैचों में पिछले अपने 6 मैचों में 352 रन बनाए हैं और हो सकता है कि वो इस मैच में खेल सकते हैं। हैरी ब्रुक बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, 4 मैचों में 36 रन मात्र बनाए हैं। मार्क वुड ने जब भी जरूरत पड़ी है विकेट निकाल कर दिए हैं। अगर मार्क वुड खेलते हैं, खबर यह आ रही है कि वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें चोट लगी है, लेकिन अगर खेलते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं। उनकी जगह अगर डेविड विली खेलते हैं तो वो ऑलराउंडर्स हैं, रन भी बना सकते हैं, विकेट भी निकाल कर दे सकते हैं। बात करें अगर सैम करन की, इंग्लैंड की तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी सैम करन है, 4 मैचों में 10 विकेट उन्होंने निकाले हैं। जोश बटलर काफी अच्छा कर रहे हैं, 4 मैचों में 119 रन बना सके हैं। एलेक्स हेल्स भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, 4 मैचों में 125 रन बनाए हैं। तो दोनों टीमों के बारे में जो बातें हमने बताई हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको टीम बनानी है। किस तरह से बनाओगे वो मैं आपको लास्ट में बनाकर भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा डीप और चलते हैं और आपके लिए बताता हूं कि इंडिया की तरफ से आपके लिए कौन से की प्लेयर हो सकते हैं, इंग्लैंड की तरफ से आपके लिए कौन से की प्लेयर हो सकते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की तरफ से आपके लिए मोहम्मद शमी इस मैच में की प्लेयर साबित हो सकते हैं। वहीं इनके अलावा लोकेश राहुल भी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार, हमें उम्मीद है कि वो अच्छा बॉलिंग अटैक संभालेंगे क्योंकि पहले बॉलिंग करते हैं तो अच्छा ही करेंगे। अर्शदीप सिंह आपके लिए इस मैच में मोस्ट पिक हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की कमान अच्छी तरह इस मैच में संभाल सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विराट कोहली अच्छा खेलते आ रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छे खिलाड़ी भारत की तरफ से रहे हैं, इसीलिए विराट कोहली मोस्ट पिक हो सकते हैं क्योंकि एडिलेड में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। वहीं भारत की तरफ से एक और खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव, बेहद अच्छे खिलाड़ी हैं, हर मैच में इन्होंने रन बनाए हैं और इस मैच में भी अगर उन्हें मौका मिलता है तो अच्छे रन बनाने वाले हैं। ये हैं भारत की तरफ से वो खिलाड़ी जो आपके लिए की प्लेयर हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंग्लैंड की तरफ से, मोइन अली से हमें उम्मीद रहेंगी क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे हैं, हो सकता है इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर जाए। वहीं लियाम लिविंगस्टन, एवरेज प्रदर्शन क्या है, बहुत अच्छा प्रदर्शन लियाम लिविंगस्टन ने नहीं किया, वो भी चाहेंगे इस मैच में हम वापसी करें। और जोश बटलर तो काफी अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस मैच में भी अच्छा करेंगे। बेन स्टॉक्स पिछले मैच में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, 1 विकेट भी निकाली थी, उम्मीद है कि इस मैच में भी अच्छा करेंगे। वहीं मार्क वुड अगर खेलते हैं तो वो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से। सैम करन आपके लिए काफी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। तो ये जो खिलाड़ी जो मैंने आपके लिए काफी डीप जाकर आपको जो नॉलेज दी है, इन्हीं सभी खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए आपको टीम बनानी है। टीम तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा और सारे रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैं टीम बनाता हूं। अब बात करते हैं माय प्रेडिक्शन, कौन से हैं वो 6 खिलाड़ी जो आपके लिए, 5 खिलाड़ी आपके लिए बताऊंगा जो इस मैच में प्रदर्शन अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले विकेट कीपर्स में आपको जोश बटलर को लेना है क्योंकि ऋषभ पंत अच्छी फॉर्म में नहीं है, दिनेश कार्तिक अच्छी फॉर्म में नहीं है। बेस्ट आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं जोश बटलर, विकेट कीपर ऑप्शन में, इसलिए आपको विकेट कीपर्स में जोश बटलर के साथ जाना। बैटर्स में विराट कोहली, एडिलेड में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है, ऐसा समझो वो भारत में ही खेल रहे हूं, इसलिए विराट कोहली आपके लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं। ऑलराउंडर्स में सैम करन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, बेन स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, इनको भी आपको अपनी टीम में रखना है। बॉलर्स में मार्क वुड अगर खेलते हैं तो मार्क वुड को आपको अपनी टीम में रखना है। भारत की तरफ से अर्शदीप को तो छोड़ना ही नहीं है,
तो ये वो 6 प्लेयर हैं, इनके ऊपर मेरी प्रिडिक्शन है। ये 6 प्लेयर, इनमें से कम 4 से 5 खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन इस मैच में करने वाले हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों बहुत कम टाइम में बहुत डीप नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है इस मैच में। अब रह गई है ड्रीम 11 टीम, अब रह गई है टीम, कि टीम में आपको किसको शामिल करना है किसको शामिल नहीं करना है, वो तो मैं आपके लिए दूंगा ही, साथ ही साथ आपके लिए ये भी बताऊंगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन आप किन्हें बना सकते हैं। इन सब के अलावा आपको अगर मोटा पैसा जीतना है, बड़ा पैसा अगर आपको जीतना है, तो बड़ी जगह आपको खेलना ही पड़ेगा, अच्छी जगह आपको खेलना भी पड़ेगा। तो अगर आप खेलते हो ड्रीम 11 पर या फिर किसी ऐसे ऐप पर जहां पर कंपटीशन बहुत हावी रहता है, तो वहां पर आप हार जाओगे, आप लॉस में चले जाओगे। लेकिन आपको खेलना है मेरी तरह, जहां पर मैं खेलता हूं रोजाना विन करता हूं, आपको खेलना है बल्लेबाजी ऐप पर। बल्लेबाजी एक ऐसा ऐप है जहां पर जीतना काफी आसान है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम है, और जब कंपटीशन कम है तो जीतना आसान है, इसीलिए आपको बल्लेबाजी ऐप पर खेलना है। वहां पर आपको काफी सारे ऑफर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी एक ऐसा ऐप है जहां पर मैं रोजाना जीतता हूं। मैं भी पहले अदर ऐप्स पर खेला करता था, रोजाना हारता था, लेकिन जब से बल्लेबाजी ऐप पर आया हूं एक दिन भी मुझे लॉस नहीं हुआ, होता भी है तो तुरंत लॉस कवर कर लेता हूं। इसलिए आपको भी बल्लेबाजी ऐप पर खेलना है। बल्लेबाजी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही ₹50 का आपके लिए वेलकम बोनस वहां पर मिल जाएगा, जिसे आप 100% तक यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड तो आपने कर लिया है, डाउनलोड करने पर आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे, क्योंकि अगर आपको बड़ा खेलना है तो बड़े पैसे भी डिपॉजिट करने होंगे। लेकिन आपको डिपॉजिट करने पर ही बल्लेबाजी बेहद अच्छे ऑफर्स दे रहा है, तो उन ऑफर्स के बारे में आपको बताऊंगा, 30 सेकंड में आपको ऑफर्स के बारे में बता दूंगा। उसके बाद आपको देने वाला हूं मैं टीम, और टीम में आपको किन किन को शामिल करना है वो आपको जरूर देखना है, जरूर जानना है। तो चलिए बताता हूं आपको ऑफर्स के बारे में, फिर देता हूं आपके लिए टीम। दोस्तों अगर आप बड़ा पैसा जीतना चाहते हो तो बड़ा डिपॉजिट आप बल्लेबाजी पर करो, और बड़ा डिपॉजिट अगर आप करोगे तो बड़ा इनाम भी आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर ₹20,000 डिपॉजिट करते हो और कोड यूज करते हो ICC999, तो आपके लिए फ्री में ₹999 की एक मेगा लीग टिकट फ्री दी जाएगी। अगर आप 20,000 नहीं कर सकते तो 8,000 ही कर लो और कोड यूज कर लो ICC399, तो आपको ₹399 की एक मेगा लीग टिकट फ्री दी जाएगी, तो इसका फायदा भी आप उठा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा और नीचे आऊं तो आप ₹1,000 यहां पर डिपॉजिट कर सकते हो और कोड यूज करना है आपको ICC49, तो आपको ₹49 की एक मेगा लीग टिकट फ्री दी जाएगी। और भी कम आपके लिए ऑफर है, अगर आप ₹200 मात्र डिपॉजिट करते हो और कोड यूज करते हो ICC10 यानी कि ICC10, तो आप ₹10 की टिकट आपको फ्री दी जाएगी। अगर आप पैसे यहां पर डिपॉजिट कर रहे हो, मैं तो कहता हूं कि बड़ा पैसा आप डिपॉजिट कर दो, बड़ा ही खेल लो, इस मैच में एक तरफा जीतने वाले हो, इनका फायदा आपको यहां पर उठाना है। तो चलिए अब दिखाता हूं मैं अपनी टीम को कि मैंने अपनी टीम में किन किन प्लेयर्स को शामिल किया है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये टीम मैंने बनाई है, और ये टीम मैंने काफी रिसर्च करने के बाद बनाई है, ऐसा नहीं कि मैंने तुक्के से बना लिया, नहीं। इसमें मैंने विकेट कीपर्स में चुना है जोस बटलर को, और जोस बटलर को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि उनकी रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है। इंडिया के जो दो विकेट कीपर्स हैं, एक तो ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, दोनों फ्लॉप रहे हैं, इसलिए मैंने इस मैच में उनको ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहता, अच्छा मैच है अच्छा ही खेलूंगा। बैटर्स में मैंने रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया है, मैंने जब जब लिया है जब जब भी फ्लॉप हुआ है, और मुझे लगता है कि इस मैच में भी शायद वो फ्लॉप हों, क्योंकि वो चोट उनको लग चुकी है, अगर खेलते हैं तो शायद लंबा नहीं खेल पाए, इसलिए मैंने रोहित पर चांस लिया है, उन्हें ड्रॉप किया है। बैटर्स में हैल्स को लिया है, केएल राहुल को लिया है, विराट कोहली को लिया है, सूर्य कुमार यादव को लिया है। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो 3 ऑलराउंडर्स को मैंने लिया है, हार्दिक पांड्या को लिया है, बेन स्टॉक्स को लिया है, सैम करन को लिया है, इन 3 ऑलराउंडर्स के साथ मैं खेल रहा हूं। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो मार्क वुड को मैंने लिया है, अर्शदीप सिंह को लिया है, मोहम्मद शमी को लिया है। तो ये है मेरी टीम जो मैंने काफी रिसर्च करने के बाद बनाई है, इस टीम के साथ मैं खेलूंगा अगर प्लेइंग 11 में कोई चैलेंज नहीं होता है। लेकिन आपको जो फाइनल टीम है वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि टॉस के बाद भी कौन सी टीम पहले खेलती है कौन सी बाद में खेलती है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है, इसलिए फाइनल जो टीम हम आपको देते हैं वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर फ्री में। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, जाइए सबसे पहले उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने टीम तो आपको दे दी है, अब बात करते हैं वॉइस कैप्टन और कैप्टन आप किन को बना सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स देता हूं जिससे आप कैप्टन और वॉइस कैप्टन बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए ऑप्शन है विराट कोहली का, 5 मैचों में 246 रन बनाए हैं और एडिलेड में मैच हो रहा है, अच्छे कैप्टन आपके लिए साबित हो सकते हैं। नंबर 2 सूर्य कुमार यादव, 5 मैचों में 215 रन बनाए हैं, अगर भारत की विकेट जल्दी गिरती है तो सूर्य कुमार इस मैच में धमाल मचा सकते हैं, इन्हें भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। नंबर 3 हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं, बॉलिंग से भी कमाल दिखा सकते हैं, ये भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं। नंबर 4 सैम करन, 4 मैचों में 10 विकेट निकाले हैं,
अगर बैटिंग आती है तो बैटिंग में भी धमाल मचा सकते हैं, ये भी आपके लिए कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। अगर आप बल्लेबाजों में दाव लगाना चाहते हैं और एक ऐसा कैप्टन बनाना चाहते हैं जिसका कंपटीशन लेवल भी कम हो, तो एलेक्स हेल्स 4 मैचों में 125 रन बनाए हैं, बैटिंग के पीछे अगर चल गए तो आपकी टीम को काफी आगे तक पहुंचा देंगे, ये भी आपके लिए कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल बेन स्टॉक्स 4 मैचों में बेशक 58 रन बनाए हैं लेकिन पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, फॉर्म में वापसी की है, 5 विकेट भी निकाले हैं, ये भी आपके लिए कैप्टन और वॉइस कैप्टन के लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। तो इनमें से आप जिसको चाहे कैप्टन वॉइस कैप्टन बना सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल टीम तो मैंने आपके लिए दे दी है, आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें रह गई हैं कि हमें कौन कौन सी लीग खेलनी है, कहां पर खेलना है, किस तरह से खेलना है, चलिए वो भी हम आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर आपको अच्छी तरह पैसा जीतना है, बिना हारे जीतना है, तो आपको बल्लेबाजी पर खेलने हैं हेड्स अप। हेड्स अप का मतलब होता है हेड टू हेड, जिसमें दो ही बंदे होते हैं, या मैं या फिर दूसरा, दो ही बंदे उसमें होते हैं, आसानी से वहां पर आप जीतने वाले हो क्योंकि टीम तो हम आपको प्रोवाइड कराते ही हैं। ये बहुत सारी वहां पर हेडसअप आपको मिल जाएंगे, अगर आप बड़ा खेलना चाहते हैं तो बड़े हेडसअप मिल जाएंगे, नॉर्मल खेलना चाहते हैं तो नॉर्मल हेडसअप मिल जाएंगे, अगर लो हेडसअप खेलना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपको 15-20 हजार रुपए से लेकर 11-15 रुपए तक के हेडसअप यहां पर मिल जाएंगे, उसी को आपको खेलना है, उसी से आपको खेलना है। तो दोस्तों हेडसअप के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया है, इनमें से आप हेडसअप में किसी भी लीग को खेल सकते हैं जो आपका मन करे, साथ ही साथ आप यहां पर ग्रैंड लीग भी खेल सकते हैं, 49 रुपए की ग्रैंड लीग यहां पर आप खेल सकते हैं, यहां पर लोग कम होते हैं, कंपटीशन कम होता है, आपके जीतने के चांस हाई रहते हैं, इसलिए आप ग्रैंड लीग भी यहां पर खेल सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों आप यहां पर लो रिस्क की लीग भी खेल सकते हैं, यहां पर आप 777 रुपए से खेल सकते हैं, 4000 रुपए का प्राइज पूल है और इसमें 4 विनर है, इसलिए आप यहां पर लो रिस्क की लीग भी खेल सकते हैं, 6 बंदे हैं जिनमें 4 तो विनर बनेंगे, 4000 रुपए का प्राइज पूल है, इसको भी आप खेल सकते हैं, यहां पर आपके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों बल्लेबाजी पर एक सबसे बेस्ट ऑफर आपके लिए मिलता है, वो है प्रिडिक्टर, आप मैच खत्म होने से पहले ही पैसा लगा सकते हैं और जीत भी सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रिडिक्टर है और प्रिडिक्टर के सामने आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इनका आपको यस नो में जवाब देना है और अपना पैसा लगाना है और पैसे जीतने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है कि ये जो मैच होगा क्या इस मैच में इंडिया जीत पाएगा, आपको लगता है कि जीत पाएगा तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं जीत पाएगा तो आप नो कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपना पैसा लगाकर यहां पर जीत सकते हैं। एक और बल्लेबाजी की तरफ से आपके लिए यहां पर सवाल दिया गया है और इस सवाल में आपको पैसे लगाने पर 50% का कैशबैक भी मिल रहा है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 174 और मोर रन इन 20 ओवर, क्या 20 ओवर में जो भी टीम पहले खेलेगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में क्या वो टीम 174 रन बना पाएगी, अगर आपको लगता है कि बना पाएगी तो आप यस कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं बना पाएगी तो आप नो कर सकते हैं। यहां पर मिनिमम आपको 50 रुपए लगाना है, चाहे आप यस पर लगाओ चाहे आप नो पर लगाओ, और अगर आप जीत जाते हैं तो पैसे आपके, अगर आप हार जाते हैं तो भी आपके लिए बल्लेबाजी 50% का कैशबैक आपको देगा ही देगा, इसलिए इसका जवाब भी आप यहां पर दे सकते हैं और अपना पैसा यहां पर लगा सकते हैं। आप जितने भी पैसे लगाएंगे अगर आप हार जाते हो तो भी 50% आपको कैशबैक वहां पर मिल जाएगा और जो मैक्सिमम कैशबैक है वो 25 रुपए आपको मिलेगा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, तो इस पर भी आप अपना पैसा जरूर लगाइए। सभी के अलावा दोस्तों जिसका आपको इंतजार था वो है दुबई और बाली की ट्रिप, किस तरह से आप जीत सकते हैं, और ये जो ट्रिप है ये आपको बल्लेबाजी के थ्रू प्रोवाइड कर रही है इज माई ट्रिप, ये इज माई ट्रिप आपको डील दे रही है फ्री में ही, बल्लेबाजी की तरफ से आपको यहां पर मिल सकती है या तो दुबई की या फिर बाली की टिकट। किस तरह से मिलेगी, यहां पर आपको लीडर बोर्ड दिया जा रहा है, लीडर बोर्ड में जब आप पार्टिसिपेट करोगे, अगर आप लीडर बोर्ड में 1, 2, 3, 3 तक भी आ गई, 3 जो यूजर रहेंगे 1, 2, 3 उनके लिए बल्लेबाजी के थ्रू इज माई ट्रिप दे रही है बाली और दुबई की टिकट, 3 जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आएंगे उनके लिए लीडर बोर्ड में, अगर जो नीचे आएंगे उनके लिए भी 1,00,000 रुपए का प्राइज पूल बल्लेबाजी दे रही है। इसमें आपको क्या करना है कि यहां पर लीडर बोर्ड में जाकर आपको ज्वाइन करना है लीडर बोर्ड, वो ज्वाइन होता है आपके लिए 49 रुपए की मेगा लीग यहां पर खेलकर, अगर आप यहां जाकर मेगा लीग खेलते हैं 49 रुपए की, जैसे ही आपकी टीम पॉइंट्स बनाएगी वही पॉइंट्स आपके लीडर बोर्ड में जुड़ जाएंगे, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर यहां पर खेलते हो ज्यादा से ज्यादा आपके पॉइंट बनेंगे उसी हिसाब से आपकी रैंकिंग आएगी। अगर आप 1, 2, 3 पर आ गए तो दुबई और बाली की टिकट आपकी पक्की, अगर आप नीचे भी आ गए तो 1,00,000 रुपए का प्राइज पूल है उसमें से आपको पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप घूमने की सोच रहे हो, कहीं पर ट्रेवल करने की सोच रहे हो,
प्लान बन रहा है आपका घूमने का, तो आपके लिए बता दूं कि आप इज माई ट्रिप पर जाकर वहां पर बुकिंग कर सकते हैं। वहां पर आपको काफी सारे ऑफर्स भी मिल रहे हैं और वहां पर आपके लिए छूट भी मिल रही है, आसानी से वहां पर आप घूम सकते हैं। इसलिए इज माई ट्रिप पर जाकर आपको बुकिंग करनी है, वहीं से आपको घूमना है। इन सभी के अलावा बल्लेबाजी पर अगर आप खेलते हैं तो बल्लेबाजी आपको खेलने के ही सिर्फ देता है रिवॉर्ड्स, और रिवॉर्ड्स में इनके पास जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड्स है वो लेवल 7 का रिवॉर्ड्स है, वो आपको जावा पैराग बाइक का है। अगर आप लेवल 7 पर पहुंच जाते हैं तो आपके लिए गारंटी जावा पैराग बाइक बल्लेबाजी की तरफ से दी जाएगी। साथ ही साथ लास्ट एंड फाइनल आपके लिए फाइनल में काफी सारे लिए गिव अवेज ला रहे हैं हम फाइनल में, इसीलिए फाइनल का इंतजार आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट जरूर करें और बल्लेबाजी ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।